हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी अपडेट्स में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो कल आपने कमेंट्स किए हुए थे, उन सभी कमेंट्स का मैं आंसर देने वाला हूँ। तो अगर आपके माइंड में भी कोई कमेंट है तो आप कमेंट में बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, उसकी जो वीडियो है वो आपको कल मिल जाएगी। तो चलिए, जो एक एक करके कमेंट्स हैं आप सभी लोगों के, वो कमेंट्स पढ़ते हैं और उनका जो रिप्लाई है वो आप सभी लोगों को मैं एक एक करके जो है वो देता हूँ। तो सबसे पहले जो है कमेंट आया है अंशु अंशुया का। इन्होंने कमेंट किया है कि सर, इंग्लिश सब्जेक्ट वालों का ग्रुप नहीं है क्या? अंशुआ जी, ग्रुप तो बनाया है मैंने इंग्लिश वालों का। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आपको जो है इस वीडियो के मतलब कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको ओपन करके अबाउट में जाना होगा। वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंग्लिश ग्रुप का, आप जो है उस पर क्लिक करके उस ग्रुप में जुड़ सकती हैं। और उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट आया हुआ है यहाँ पे अंशु का। उन्होंने जो है कमेंट करके पूछा है कि भैया, सब सबके पास सेम क्वेश्चन आते हैं क्या? ऐसा तो नहीं होगा शायद। हाँ जी अंशु, अगर आप जो है जब असाइनमेंट देने जाएंगे तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं तो उस टाइम आपके जो है अलग क्वेश्चंस होंगे 30, और जब आप सेकेंड अटेम्प्ट देने जा रहे हो उसमें 30 क्वेश्चन में से आपके जो है 5-7 क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, बट ये नहीं होगा कि आपके जो 30 क्वेश्चन हैं वही 30 क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए। तो अंशु, मैंने इससे पहले जो है इंग्लिश की वीडियो बनाई हुई है, जो आपके असाइनमेंट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वही क्वेश्चन हैं वो। तो आपको क्या करना है, आपको पहले ये वीडियोस देख लेनी है जो 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन देख लेने कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए हैं। और अगर इनमें से कोई क्वेश्चन आता है आपका, तो आपको क्या करना है, आपको जो है जो 30 क्वेश्चन मैंने बताए थे, सपोज वहाँ से आपके 10 क्वेश्चन रिपीट हो गए तो आपके जो है 10 नंबर ये कन्फर्म हो जाएंगे अगर आपको उनका आंसर पता होगा तो। और अगर जो है आपका जो 30 नंबर का असाइनमेंट है उसमें से अगर 5 या 10 क्वेश्चन आपको आते होंगे तो 20 नंबर आपके ऐसे ही जो है वो कंफर्म हो जाएंगे। और अंशु, और जब आप अपना सेकंड अटैम्प्ट देंगे तो उस टाइम आपके पास क्या होगा, 60 क्वेश्चंस आपको पहले से ही पता होगा। 60 में से जो है 20 या 25 क्वेश्चन क्या पता वहाँ से रिपीट हो जाए आपके असाइनमेंट्स में, ये हो सकता है। तो आप जो है एक बार जो है अंशु अपना असाइनमेंट दीजिएगा और उसके बाद जो है बताइएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए हुए थे आपके, जो आपका जो BEL 101 जो फर्स्ट बुक है उसका। और अंशु, अगर आप जो है सेकेंड बुक का भी असाइनमेंट देंगे तो एक काम कीजिएगा, आप जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उन क्वेश्चंस का और मुझे पर्सनली शेयर कर दीजिएगा, ताकि मैं जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो वीडियो लेके आऊं कि किस प्रकार से आपका जो सेकेंड बुक है उसका जो है असाइनमेंट में क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो आया है राखी नेगी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि सर, म्यूज़िक सब्जेक्ट का सब्जेक्ट कोड है BAMI 101। तो ठीक है मिस राखी नेगी, मैं आपके लिए जो है जो इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2022 के वो लेके आऊँगा, तो आपको चैनल पे बने रहना है। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती है, मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई आपको दूँ। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट आया है यहाँ पे म्यूजिकल वर्ल्ड करके इनका चैनल है। इन्होंने जो है कमेंट किया है कि सर, मैंने सितंबर 2022 में फॉर्म भरा था, मेरा ईमेल एंड मोबाइल नंबर में इनरोलमेंट नंबर नहीं आया है, मैं क्या करूं, अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरा इनरोलमेंट नंबर? तो म्यूज़िक वर्ड भाई, मैंने आपको जो है इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप जो है आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो पता करें। तो आपको क्या करना है, आपको जो है वो वीडियो देखनी है, आपको जो है सारी वीडियो चेक करनी होगी वन बाय वन, आपको थंबनेल देखना होगा, उसमें पता चल जाएगा आपको। क्योंकि जो मैंने जो है जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको थंबनेल में लिखा हुआ है कि कैसे आप अपना जो इनरोलमेंट नंबर है वो पता करें। तो आप जो है वो वीडियो देखिएगा पूरी, आपको जो है आपका जो इनरोलमेंट नंबर है वो पता चल जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है वो आया है प्रियंका राठौर का। इन्होंने कमेंट किया है कि 30 मार्क्स का असाइनमेंट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में 20 राइट किए फिर भी 17 मार्क्स क्यों आए, और सेकंड अटैम्प्ट दिया तो उसमें 28 किए फिर भी 17 मार्क्स आए क्यों? तो मिस प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि आप जो आपको लग रहा है कि मैंने जो है 20 राइट किए हुए थे,
बट उसमें से हो सकता है कि आपके 17 ही राइट हो, और जो सेकंड अटेम्प्ट में आपने 28 राइट किए थे उसमें से आपके जो है 17 ही क्या पता राइट हो, इसीलिए वही मार्क्स आपके जो है जुड़े हैं। आपको क्या होता है दोस्तों कि आप जो है गूगल से जो है इनके आंसर करते हैं क्वेश्चंस का, तो वहाँ पे कुछ अलग होता है और ऑप्शन में जो है कुछ अलग होते हैं। तो मे बी कि जो आपका जो है जो आपने राइट किए हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, इसीलिए जो है आपके जो है ये मार्क्स आए हुए हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है आपका किरोला गेमर करके, इनका जो है पेज है, इन्होंने कमेंट करके पूछा है 2 बार असाइनमेंट देना, मैं कौन से वाले असाइनमेंट के नंबर जोड़ेंगे। तो जब आप 2 बार असाइनमेंट देंगे उसमें क्या होगा कि आपका जो जैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके 20 नंबर आए और सेकेंड अटैम्प्ट में आपके जो है 22 नंबर आए, तो जिस भी अटैम्प्ट में आपके ज़्यादा नंबर आए वो वाले मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं। तो देखिए सेकेंड अटैम्प्ट में आपके ज़्यादा नंबर थे 22, तो वो वाले मार्क्स आपके जुड़ने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे यूज़र करके पेज है इनका, इन्होंने पूछा है सर बुक से भी लिख सकते हैं सर। तो इन्होंने जो है जो क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व कराए हुए थे उसमें ये कमेंट किया हुआ है। तो हाँ जी, अगर आप जो है जो क्वेश्चन अगर आंसर आप इजी वे में करना चाहते हैं तो आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर बुक से भी ढूंढ सकते हैं और जो है उसको कर सकते हैं। उसी के बाद इनका जो जो है नेक्स्ट कमेंट आया वो आया है अंशिका जी का, इन्होंने जो है कमेंट करके पूछा है कि BA 21 सेकेंड ईयर समर सीज़न के पेपर कब होंगे। तो BA सेकेंड ईयर जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका अभी जो है असाइनमेंट हो रहे हैं, तो पहले आपको असाइनमेंट देने होंगे, उसके बाद ही जो है आपका जो एग्ज़ाम होगा वो जो है अगस्त में जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगस्त में भी आपके एग्ज़ाम हो सकते हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट आया है यहाँ पे विदुरशील इनका चैनल का नाम है, इन्होंने पूछा है रिजल्ट कब आएगा। तो अगर आप जो है आप 2023 में आपने जो है एग्ज़ाम दिया हुआ है और आप विंटर सीजन के स्टूडेंट्स हैं तो आपका रिज़ल्ट आ चुका है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया है कि कैसे आप जो है आपका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, तो आप जो है उसकी मदद से भी चेक कर सकते हैं वीडियो को देख कर। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है एम के ब्लॉग का, इन्होंने जो है क्वेश्चन पूछा है कि सर हिंदी की भी वीडियो बनाओ। तो एम के ब्लॉग हाँ जो है मैं इंग्लिश की भी जो है जो 30 क्वेश्चंस हैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो कुछ दिनों में या तो मैं कल या परसों में उसकी वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा, तो तब तक आपको वेट करना होगा। और 30 क्वेश्चन हैं वो आपके, तो तब तक आपको थोड़ा वेट करना होगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट कमेंट आया है प्रियंका राठौर का फिर से कि हिंदी एंड पॉलिटिकल साइंस असाइनमेंट क्वेश्चन आंसर प्लीज़। तो हिंदी का मैं जो है क्वेश्चन पेपर लेके आ रहा हूँ असाइनमेंट का, और पॉलिटिकल साइंस का भी लेके आ जाऊँगा, तो थोड़ा आपको वेट करना होगा और जल्दी ही जो है उसकी वीडियो आपको दिखाई देने को मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट आया है यह है गुसैन राखी करके, इन्होंने पूछा है कि सर इसकी मीनिंग की वीडियो भी पोस्ट करें प्लीज़। तो इन्होंने जो है जो BA सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश के चैप्टर की मैंने वीडियो बनाई हुई थी तो इन्होंने उसमें कमेंट किया हुआ है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके लिए इसके हिंदी मीनिंग भी लेके आऊँ, क्योंकि मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट हूँ, तो मैं भी BA सेकेंड ईयर का ही स्टूडेंट है, तो मुझे भी थोड़ा तैयारी करनी है गुसैन। तो मैं ट्राई करूँगा कि लेके आऊँ आपके लिए वीडियो। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट आया है सौरभ राणा का, इन्होंने कमेंट करके पूछा है कि भाई मेरे हिंदी लिटरेचर असाइनमेंट के कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन शो नहीं हो रहे हैं, एरर शो हो रहा है वहाँ पे, प्लीज़ हेल्प मी इन द रिगार्ड। तो मे बी भाई जब आप जो है असाइनमेंट देने जा रहे हैं तो उस टाइम जो है आपका जो नेट है वो स्लो चल रहा है, इसी कारण जो है आप ये इशू फेस कर रहे हैं। तो एक बार ट्राई कीजिएगा कि आप जो है बेटर नेटवर्क एरिया में हैं तो तब जाके अपना असाइनमेंट दीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नेटवर्क इशू होगा तो ऑटोमेटिक जो है आपका असाइनमेंट जो सबमिट हो जाएगा, तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते आगे। तो ट्राई कीजिएगा कि आप जो है बेटर नेटवर्क एरिया में जाके ही अपना असाइनमेंट दें। और अगर कोई और क्वेश्चन रहता है आपका तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं गाइस, मैं आपका जो है आंसर बताऊंगा कल की वीडियो में जो आज कमेंट आएंगे उन सभी के।
तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही में जो बेल आइकन है उसको ऑल पे प्रेस करके रख लीजिएगा। तो चलिए बाय बाय, मिलते हैं आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह।